आप साइड में बैठ या अब इस साइड से आ जाएंगे। हाँ मैं एक साइड में मुकेश जी आप साइड में दोनों आप करवा दीजिए। वेट वेट बहुत सारी टेक्निक्स है।
जैसे आप एकदम सिंपल महिला है, आपने मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, एकदम बिल्कुल उस तरह से सोच के चलना है कि अभी आप मार्शल आर्ट नहीं सीख रहे हैं, आपको आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, बस आप एकदम सिंपल महिला है और आपने अपने आप को बचा है। अब ये बोली वो डायलॉग तो बोली ये मोबाइल मुझे दे दे, because this is just as a
precautionary device. So that's all I wanted to say, and I think it would be great if all of you who are present here will tell your friends in the building that when these sort of things happen, more of us should come and participate. And I would have, in fact, I can't because I've had a slip disc, I'm not allowed to do anything, but I really wanted to, and I will tell my friends in the building, and I really wish all of you do, that the gentleman lives here with his wife, and maybe we should all participate in something like this and encourage our offspring, other people's offspring, adults, our friends, everybody. I think we'll all be more disciplined and we'll fight much less. We will argue logically and come to conclusions about everything in life. Maybe this is a utopian idea, but it's certainly not a bad thing. Good morning to everybody. I rarely come down, but I've come because my son was like since last night, Mama, 9:30. So 9:30 has become this number in my mind that I have to come morning. He said, Mama, you have to come and see what I'm doing today. So first, you all are super late. रही बात हमारे जो छोटे बच्चों ने किया जो भी किया ऑल थैंक यू बहुत अच्छा किया एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुभान इतना अच्छा कर सकता है स्प्लेंड का देखा था मैंने लेकिन ये नहीं देखा था और हमारे बच्चे जो कंडीशन हुए हैं इनके जैसे जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं माय एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इफ हमारे बिल्डिंग से एज यू सेड ऑल अडल्ट्स एंड everybody else will come in and join this defense program, especially for women. And I'll be more than happy with your class does well, well, and well.
शायरा खान। सर जी, अगर बात करें मुकेश भारती की, जो भी चल रहा है, डेमो चल रहा था, ये बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इसके, आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरा छोटा बेटा स्टार ने अभी स्टार्ट किया है और मुझ वो अच्छा ही है, मतलब सब करने में, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो ये सब कर सकता है। तो जब वो मुझे कह रहा था कि मैं डेमो के लिए जा रहा हूँ, डेमो के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बार बार ये बोली कि ओके सुभान, मैं आती हूँ, आई विल कम। इधर मम्मा 9:30, यू हैव टू कम, मम्मा यू हैव टू कम। ओके सुभान, आई नो, बट मुझे पता क्या करेंगे, नो गए हाँ हू करके वापस आ जाएंगे। तो देखा तो जो जिस लेवल पे इन लोगों ने किया है, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, एंड आई थिंक मुकेश भारती इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। एंड मैं इतनी खुश हूँ कि कोई हमारे एरिया में, हमारे विसिनिटी में, हमारी बिल्डिंग में कोई ऐसा आया है जो हमारे बच्चों को ध्यान रख सकता है। ही कैन टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन का सेल्फ डिफेंस, और अडल्ट को भी इनक्रेज कर रहे हैं। मैं तो डेफिनेटली कुछ टाइम निकाल के, अभी बोला है मैंने, मैं पर्सनल ट्रेनिंग करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे पास, मुझे कुछ नहीं आता सेल्फ डिफेंस का। हंड्रेड परसेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी अनसेफ। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम तो चलो गाड़ी में बैठ के चले आते हैं, क्या पता हमारा ड्राइवर अनसेफ हो, कोई नए को एम्प्लॉय किया है, हमको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। निकलने के बाद किसी की कोई कहीं पर सेटिंग हो या कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम नो नेटवर्क एरिया में हो या कहीं जा रहे हैं अकेले, कुछ भी हो सकता है। तो उस दौरान आई थिंक जो मिसेस मुकेश भारती, उन्होंने जो अभी अपना डेमो दिखाया, जो वो कर सकते हैं, वो ब्लैक बेल्ट है, मैं बहुत इनकरेज हो गई वो चीज़ देखकर, कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा तो कुछ सीख करना चाहिए, कि मुझे अपने आप को बचाव के लिए कुछ सीखना है। तो हर औरत को सीखना चाहिए, हर लड़की को सीखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, बाय बाय। सबसे आपका नाम? मेरा नाम माधुरी भाटिया। माधुरी जी, आज के डेमो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी ने जो बच्चों के साथ में दिखाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मतलब हर एक चीज़ के बारे में हमें सब कुछ समझाया, बताया, और जो बच्चों ने किया है वो तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने किया है, और इनका जो अभ्यास चल रहा है मेरी समझ में बहुत एक एक चीज़ को बारीकी में वो सिखा रहे हैं, और ये इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। मैं क्या कहूँ, इतना मज़ा आया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना सब एक आसानी से हो सकता है। ये प्रॉब्लम है, सबको लगता है कि बहुत कठिन होगा ये करना है, कुछ सी भी सी जैसे सीखना पड़ता है, लेकिन जो मूव्स बताए हैं वो सबको सीखने की बहुत ज़रूरत है। एंड स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन्स को, अभी जो घर पे भी रहते हैं उनको अकेला, उनके लिए सब बहुत ज़रूर पड़ते हैं। बच्चे को स्कूल में, रास्ते में जो चलते हैं, ट्रेन में, बाकी छोड़ो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुकेश भारती ने आज विद इस ट्रूप बहुत अच्छी तरह से देखा है, एंड मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी आसानी से सब दिखाया है हमको, एंड वी होप यू डू वेरी वेल। थैंक यू सो मच। जस्ट आई बिकेम फ्रेंड 3 months ago, सो वी जस्ट आर वेरी क्लोज फ्रेंड राइट नाउ, लाइक फैमिली फ्रेंड्स, एंड दे आर माय बेस्ट फ्रेंड, एंड दे शो मी बिफोर व्हाट दे आर डूइंग, द गाइस, कूल गाइस, आई लव देयर जॉब, सो I want to encourage them, and don't just go ahead. Yeah. Be blessed. Thank you so much for today. It was an amazing show. So I'm so glad. I'm very glad. Thank you so much. Yeah, rolling. Hi, I can do my security. Hello friends, my name is Jyotika Sharma, and I'm in St. Francis School. I'm from Mukesh Bharti Sir Institute. कराटे सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ। आई एम अ ब्लैक बेल्ट, मेरे को 5 साल हो गए सीखते हुए। कराटे सीखना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस 21st century में, बिकॉज आजकल की सोसाइटी अच्छी नहीं है। सो कराटे लड़कियों के लिए सीखना इज़ वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू। एक मिनट। हाय, मेरा नाम पुरु रावल, मैं सैन फ्रांसिस से हूँ, और मैं नौगा रोड पर रहता हूँ। मैं मुकेश भारती सर से सीखता हूँ, लर्न कराटे इंस्टीट्यूट, सेम्पाई कमल टाक, और कराटे फ्लेक्सिबिलिटी में भी बहुत काम आती है, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग है। थैंक यू। आइए। मेरा नाम प्रियंक भट्ट है,
और मैं पायंदर से हूँ। मुझे कराटा सीख के बहुत खुशी हुई और मेरे सर मुकेश जी भारती ने मुझे सिखाया है कराटा और आज मैं ब्लैक बेल्ट बना हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। माय नेम इज़ दीपेन शर्मा। आई एम फ्रॉम क्लास 7C। मैं सैन फ्रांसिस स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे 5 साल हो गए। आई एम अ ब्लैक बेल्ट। ये एक्सपीरियंस बस ब्लैक बेल्ट को रहता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी सेल्फ डिफेंस खुद करनी आती है। गर्ल्स लोग को सेल्फ डिफेंस मोर यानी कि ज़्यादा है क्योंकि आजकल के ज़माने में उनके सोसाइटी अच्छे नहीं है। इसके लिए थैंक यू। हाय हाय हाय, मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं दही से वेस्ट में रहता हूँ और मेरा स्कूल कॉलेज का नाम है विवाह कॉलेज और मैं मुकेश भारती के पास सीखता हूँ। ओके थैंक यू। सॉरी। हाय हाय हेलो, मैं मुकेश सर से कराटे सीखता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार अरविंद बस। हाय हाय ऑल, दिस इज मनीष बिन एंड आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ सेंसे मुकेश भारती सर। आई हैव जॉइन दिस कोर्स लास्ट 3 months अगो एंड I will continue to learn towards self-defense and I would like to be a one-man army one day. Okay, that's all. Yeah! Next. Hi! My name is Vijesh. मैं मुकेश सर की इधर कराटा सीखता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है माउंट मैरी हाई स्कूल। बस हो गया? Yeah. मेरा नाम ऋतिक खरट मोल है। मैं लर्न कराटे इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और मेरी सेंट फ्रांसिस मेरा स्कूल का नाम है और मैं मुकेश सर से सीखता हूँ। वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग को सिखाने में और वैसे बहुत अच्छा सीख पढ़ाते हैं। इसमें हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, इसे हम लोग के स्टडी और डेली लाइफ में भी काम आ सकता है। बहुत प्राउड फील होता है। कितने आप स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं सेंट फ्रांसिस की अगर बात करें? बहुत बच्चे, 1000 से तो ऊपर ही है पूरे स्कूल में। तो आपने रियल लाइफ में यूज किया कराटे को? हाँ। एक बच्चे ने मेरे को मारा था पहले तो मैंने उसको मार दिया। मैंने भी अपने मारा उसे। हाँ आपने कभी यूज किया? हाँ किया। बताइए। मैं ऐसे जा रहा था रोड पे तो 5-6 लड़के लोग आके मतलब मस्ती कर रहे थे तो सर ने मेरे को टेक्निक सिखाई थी, वही टेक्निक मैंने यूज़ की और मार दिया। मैंने मुकेश भारती। मैंने मुकेश भारती कराटे इंस्ट्रक्टर। माय कमिंग मूवी काश तुम होते एंड सेकंड मूवी कराटे द फायर एंड बिग कराटे एंड सेल्फ डिफेंस। माय हॉबी इज टीचिंग। हिंदी चलेगा? हिंदी बात करेंगे चलेगा। ओके आज की अगर बात करें जो आपके स्टूडेंट आए हैं, शिष्य आए हैं, क्या डेमो था अगर बात करें इसके बारे में? देखिए ये जो डेमो था आज हमारा यहाँ दिखाने का ओबरा स्प्रिंग में, सिर्फ यही हमारा मैसेज है कि ये आज के युग में सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम कभी ये न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसमें यही खबर मिलती है आज वहाँ एक ये हादसा हो गया कि बच्चे की किडनैपिंग हो गई या लड़की के साथ छेड़ाखानी हो गई या किसी मतलब एवरीडे यही न्यूज़ मिलती है कि कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक डेमो रखा जो कि काफ़ी यहाँ के सोसाइटी के लोग आए थे, पेरेंट्स को दिखाया कि लड़की किस तरीके से अपने आप को बचाती है या छोटा बच्चे का कोई किडनैपिंग करता है तो किस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिफेंस करता है। बट इस तरीके से डिफरेंट डेमोस्ट्रेशन हम लोगों ने करके दिखाया। काफ़ी लोग या डेमोस्ट्रेशन को देख के एक्साइटेड हैं कि हम भी सीखेंगे या अपने बच्चों को भी सिखाएंगे
और काफ़ी लेडीज़ लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हुई कि ये कला शायद हम सीख लेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर बात करें शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है, ज़िंदगी में कोई ऐसा पड़ाव आता है जो इंसान सोचता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए था, उसी से इंस्पायर होके या एक झटका खा के चोट खा के इंसान आगे बढ़ता है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हुआ जो आपने स्टेप उठाया और पहला वाक्य कब था? देखिए मैं कराटे का या सेल्फ डिफेंस के बारे में बताऊंगा तो फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा था मेरी कम से कम 7-8 साल की उम्र में